गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस श्रीपाद सरोरुहे पूजे मे बुद्धं कुसुमेन नैनं पुय्येन मेतेन लवामि मोकं पोपं विलायात यथा इदं मे कायो तथायात विनाश भावं गंध संवारयो तेन धूपेनां सुगंधिना पूजये पूजनेयं तं पूजा भाजनमोत्तमं सुगंधिकाय वदन अनंत गुणगंधिना सुगंधिनां गंधेन पूजयामि तथागत घनसार पदे तेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं संबोधं पूजयामि तमोनुदं बोधं धम्मं च संग सुगत तनुभवादात बोधातु गब्बे लंकाय जम्बूदीपे तिदस पुरवरे नागलोके चातूपे दस बिंबे सकल दस दिशे केसलोमादि धातु वंदे अभ्येपि बोधं दसवल तनुजं बोधि चेतियं नमामि वंदामि चेतियं सभं सबठाने सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बोध रूपं सकलं सदा यस्मूलेन सिन्नो वसबार विजयं अका पातो सभयोतं सत्ता वंदेतं बोधि पादुपं इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अं पिते नमस्सामि बोधि राजा नमस्तु ते आगे पढ़िए क्या से तु नो वन्ते भोजनं परिकल्पितं अनुकंपं उपादाय पतिगणान्तु मोत्तमं। अब ये समापन के लिए है, तो तीन लाइन जो नीचे लिखी है वो समापन करना है आपको। तो कैसे